कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। लंकापति रावण का हुआ देहांत। आपको बता दें, जो 10 सिर का खुद को समझने वाला अहंकारी रावण का आज अंत हुआ है। इसी में आपको बताएं, गोला विधायक ने जिस हिसाब से बात कही है कि घमंड, और जो आदमी घमंड करता है उसका क्या दशर होता है, आप देख चुके हैं। आपको बता दें, गोला विधायक ने यहां पर जय भी कहा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन। इन्हीं बातों से संबोधित किया विधायक अमन गिरी ने, और बताया है कि अपने विचार सतयुग में जिस हिसाब से राम लक्ष्मण भरत शत्रुओं रहते, ऐसे ही हम लोगों को रहना चाहिए। हम लोगों को घमंड नहीं चाहिए करना चाहिए। घमंड का ये प्रतीक है जो दशहरा होता है, जिसमें रावण का अंत होता है। कितनी बड़ी बात बताई गोला विधायक अमन गिरी। यही पर नगर चेयरमैन जी ने भी अपना संदेश दिया पब्लिक को, कहा कि घमंड करने वालों का यही अंत होता है। जो 10 सिर रखने वाले को इतना घमंड था, आज वो भी धराशराह हो गया। आप देख सकते हैं पूरी खबर। हम सब लोगों को भी इस कलयुग में
हर एक वर्ग हर एक समाज को एकजुट होकर समाज की त्रुटियों को समाज की बुराइयों को मिलकर मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको दूर करना चाहिए। वही राम राज्य में जैसे भाई की भाई जैसे प्यार होता था, जिस तरीके से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में प्रेम था, वैसे हम सभी लोग भाई भाई आपस में अपने मातृभाषा का सम्मान रखें। और उससे भी प्रथम उससे भी उचित बात कि जिस तरीके से हम सब लोग अपनी बात का अपने वचन का प्रतिबद्ध रहे, जिस तरीके से राम राज्य में कहा जाता था रघुकुल नीति सदा चले जाए प्राण जाए जय वचन न जाए, ये हम सब लोगों को आज इस पर जीने की जरूरत है, इसको अमल करने की जरूरत है। जय जय श्री राम। चलाइए। हाँ आप